नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। तमिलनाडु के डीएमके पार्टी के सांसद गणेश मूर्ति का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार की सुबह 5 बजे कोयम्बटूर के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 4 दिन पहले उन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तब से वे अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैच लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने पर वे डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। कीटनाशक पीने के बाद उन्हें उल्टी और बेचैनी होने लगी। जब उन्होंने जहर खाने की बात परिवार को बताई तो पहले उन्हें इरोड शहर के एक अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें कोयम्बटूर के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जहां उनकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही थी। गणेश मूर्ति की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें ECMO सिस्टम पर रखा था, लेकिन बॉडी इस इलाज पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। उनके निधन पर डीएमके पार्टी के प्रमुख वायको ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के दौरान वह बेहोश थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सांसद के पार्थिव शरीर को इरोड के पेरियार नगर स्थित उनके गृह आवास पर ले जाया जाएगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।